हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चावल की खीर, वो भी सिर्फ 15 मिनटों में, बिना मावा और बिना मलाई के, एकदम गाढ़ी थिक खीर। आप देख सकते हैं देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। ये रहे हमारे नॉर्मल चावल जो कि हम डेली यूज़ करते हैं राइस बनाने के लिए। ये रहे हमारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हम लेंगे सूखा नारियल जो क्रश किया हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में काजू ले लिए हैं, ये रही हमारी किशमिश और ये रहे हमारे बादाम। 4 से 5 इलायची लेंगे दोस्तों, आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये रही चीनी, चीनी की क्वांटिटी 50 ग्राम है दोस्तों। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, आप कैसा मीठा खाते हैं ज़्यादा या कम। हम चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग भी कर सकते हैं दोस्तों, दोनों की क्वांटिटी सेम है। इसकी भी क्वांटिटी 50 ग्राम है। आप खीर में मिश्री भी डाल सकते हैं या चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम मिश्री का प्रयोग करेंगे। मिश्री सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों, शुगर पेशेंट भी इसे बहुत ही आराम से खा सकते हैं। अब इन चावलों को हम लोग मिक्सर में पीस लेंगे दोस्तों। इसे जार में हम लोग डाल देते हैं, हमें बस एक राउंड इसे घुमाना है, ज़्यादा नहीं। ये चावल बस थोड़ा दरदरा सा हो जाए, बस एक चावल के 2 से 3 टुकड़े हो सके इतना ही पीसे इसे। देखिए इस प्रकार आप देख सकते हैं, पाउडर नहीं बनाया है हमने, दरदरा सा है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे पीस लिए हैं। अब हम इसे पानी में डाल देंगे दोस्तों। चावल को अच्छी तरीके से धो लेंगे ताकि चावल की सारी गंदगी निकल जाए, और इन चावलों को 15 मिनट हम पानी में ही छोड़ देंगे ताकि चावल फूल जाएं और पकने में ज़्यादा समय ना लगाएं। ये मैंने चावल को अच्छी तरीके से धो लिया है, अब इसे 15 मिनट छोड़ देते हैं। धोने के बाद चावल कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे दोस्तों। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से सुखा लिया है, इसका पूरा पानी गाड़ लिया है। अब बढ़ते हैं दूध की तरफ। ये रहा हमारा दूध, ये 1 लीटर दूध है दोस्तों। आप देख सकते हैं दूध ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। दूध में उबाल आने दीजिए, थोड़े थोड़े उबाल आ रहा है दूध में। दूध में पूरी तरीके से उबाल आने के बाद ही हम चावल को डालेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों दूध उबल रहा है। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे चावल जो भींगे हुए हैं। अच्छी तरीके से आप इसे डाल लें। चावल को डालने के बाद हम इसे कंटिन्यूसली चला लेंगे ताकि ये चावल पतीले में सटे नहीं, चलाते रहें। अगर आप इसे अच्छी तरीके से नहीं चलाइएगा तो चावल नीचे सट जाएंगे या फिर चावल राउंड राउंड होकर ऊपर आ जाएंगे, जिससे कि हमारी खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी दोस्तों। आप देख सकते हैं चावल अब धीरे धीरे पक रहे हैं, धीरे धीरे चावल ने दूध के साथ बॉन्डिंग बनानी शुरू कर दी है और हमारी जो खीर है उसमें गाढ़ापन आ रहा है। देखिए खीर अब 80% तैयार हो चुकी है दोस्तों। देखिए हमारे जो चावल हैं वो अब पक चुके हैं। अब इसे हम अच्छे से चला लेते हैं, अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब इसमें हम डाल लेते हैं इलायची, मैंने इलायची को कूट लिया है, आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से मिला लें ताकि इलायची का जो स्वाद है वो पूरे खीर में घुल जाए। अब हम इसमें मिश्री डाल देते हैं। खीर बनाने में मैं चीनी का नहीं मिश्री का प्रयोग करूँगी दोस्तों, क्योंकि मिश्री सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप चाहे तो मिश्री के और छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं ताकि मिश्री खीर में जल्दी मेल्ट हो जाए और हमारी जो खीर है वो फटाफट रेडी हो जाए। मिश्री को खीर में घुलने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट लगता है दोस्तों। आप खीर में चीनी या मिश्री कुछ भी डालें वो अपने आप अपना पानी छोड़ देती है, जिससे कि खीर में थोड़ा सा पतलापन आ जाता है, इसलिए खीर में पानी ना मिलाएं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं खीर थोड़ी सी पतली हो गई है पहले से, क्योंकि मिश्री ने अपना पानी छोड़ दिया है, यानी कि मिश्री मेल्ट हो चुकी है, लेकिन ये फिर वापस अपने रंग में आ जाएंगी, यानी कि थिक हो जाएंगी। हम इसे चलाते रहेंगे। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों मिश्री पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब देखिए धीरे धीरे जो हमारी खीर है उसमें थिकनेस आ गई है। अब इसमें हम क्रश किया हुआ नारियल डाल देते हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप डाल सकते हैं। ये रहा हमारा बादाम, ये रही हमारी किशमिश।
आप चाहें तो केसर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि खीर में बहुत ही अच्छा रंग भी आ जाता है। ये रहे हमारे कटे हुए काजू। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है वो भी पक जाए। जो हमारी खीर है वो बिल्कुल भी रेडी है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें कितनी प्यारी थिकनेस आ चुकी है। ये खीर दिखने में कितनी गाढ़ी लग रही है। मैंने इसमें ना मावा मिलाया है और ना ही मलाई। आप लोग भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। अब मैं इसे सर्व करूँगी दोस्तों। ये रही हमारी खीर जो मैंने सर्व कर दी है। आप लोग भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। बाय, टेक केयर।